छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना पर सियासी चैलेंज शुरू हो चुका है। जी हां, भूपेश बघेल ने स्वीकार की मंत्री ओपी चौधरी की चुनौती, जहां किसी भी गांव में लाभार्थियों से हाथ उठवाने की चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में ही महिलाओं से पूछ लेते। भूपेश बघेल ने कहा, मैं ओपी चौधरी के साथ रायपुर के किसी भी वार्ड में जाने के लिए तैयार हूं। बघेल ने आरोप लगाया था कि महिलाओं को मातारी वंदन की रकम नहीं मिल रही है। ओपी चौधरी ने कहा था कि महिलाओं से ही पूछ लीजिए राशि मिल रही है या नहीं। तो वही भूपेश बघेल के चैलेंज पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भूपेश बघेल को सौम्या चौरसिया पर बोलने की चुनौती दी है। संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल में हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में तुम हुए तमाम घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। जो सचिव रही है सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए। इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही, उस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत नहीं दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और अभी तो जितने भी घोटाले हुए, सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है, उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में। नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से। और अब बात करेंगे मौसम की। बस्तर में झमाझम बारिश हुई है। निगम का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया। गंगानगर, गांधीनगर, दलपत सागर, वाडुआ, जलमग्न शहर के शहीद पार्क के सामने तालाब बना हुआ, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल निगम प्रशासन जो दावे करता है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर किया है, उन दावों की पोल खुलती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर भर गया है और अब लोगों को बदबूदार पानी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि दोनों तरफ पिया के दोनों साइड गहरा है और नाली क्या है, चौक है और नाली छोटा है, तो 1.5 घंटे का पानी में ये हाल है, दोनों ओर पानी भरी हुई है। ऐसे हर रोड में निकलते ऐसी परेशानी है ना। कितने देर पानी गिरा? 1.5 घंटा गिरा होगा पानी लगभग। ये तो पूरा जलमग्न हो गया पार्क। जलमग्न, ये पूरा ही भर गया है पूरा। तो ये तो काम हुआ क्या निगम का? रोड रन से लेके पूरा पूरे टाउन का ही हाल है। तो काम हुआ था, ये पूल पानी नहीं भरेगा? तो काम हुआ था, एक साइड का पुलिया बना हुआ है, एक साइड का बनाया नहीं है। हाँ, तो पूरा इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वही कोंडा गांव में हुई झमाझम बारिश, रुक रुक कर तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण घर से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है घरों से बाहर निकल पाना, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी, गंदे पानी के भर जाने की वजह से लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल है। कोंडा गांव में झमाझम बारिश हुई, इलाका पूरा तरबतर हो चुका है और इस दौरान निचले इलाके खासतौर पर यहां पर पानी भर चुका है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें।